हेलो स्टूडेंट्स, आज ऑपरेशन रिसर्च के चैप्टर पार्ट सीपीएम में देखते हैं कि डमी एक्टिविटी कैसे यूज़ होती है या डमी एक्टिविटी क्यों यूज़ करनी पड़ती है चार्ट बनाते टाइम। तो ये एग्जांपल दिया गया, फॉर प्रिपेयरिंग अ चेयर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर डन, प्रिपेयर पार्ट चार्ट। एक्टिविटीज़ है ए बी सी डी ई। ये एक्टिविटी है प्रिपेयरिंग स्केचेस ऑफ पार्ट्स, बी ए मेकिंग लेग्स, सी मेकिंग सीट, डी मेकिंग बैक साइड एंड ई है असेंबलिंग ऑल। टाइम दिया गया है 3 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स, 4 इयर्स एंड 3 इयर्स। तो ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अभी जो है नंबर्स नहीं दिए गए हैं, तो उसके लिए हम खुद के यूज़ करेंगे 1 to 2। एक्टिविटी है ए, टाइम लग रहा है 3 इयर्स। फिर बी एक्टिविटी है तो 2 to 2 जाएंगे, 3। बी एक्टिविटी टाइम है 5। उसके बाद सी एक्टिविटी है तो 2 to 2, 4, टाइम है 6। अभी 2 से ही क्यों गया, 3 से क्यों नहीं गया? तो ये तीनों बनने के बाद जो है सबको असेंबल करना पड़ेगा, तो इसलिए स्केचेस बन गए। उसके बाद वो अपने हिसाब से बन रही है, वो अपने हिसाब से बन रही है। फिर 2 से जाएंगे हम 5, बैक साइड बन रही है, डी एक्टिविटी है, टाइम लग रहा है 4 आवर्स। लास्ट में सबको असेंबल करना है, तो एक जगह पे लेके आएंगे हम, तो इसको इस तरह से हम ले जा सकते हैं 5 to 6। तो पहले इसको डमी एक्टिविटी से इधर लेके आएंगे, फिर इसको डमी एक्टिविटी से इधर लेके आएंगे, बाद में तीनों को जो है असेंबल कर दिया जाएगा। तो वो एक्टिविटी है ई और इसका टाइम लग रहा है 3। तो डमी एक्टिविटी पार्ट चार्ट में तभी यूज़ की जाती है जब कोई एक्टिविटीज ऐसी हो जिनका आपस में कनेक्शन नहीं हो, लेकिन फाइनली वो एक जगह उनको इकट्ठा करना, एक साथ करना है, तो जहाँ से कनेक्शन नहीं है वहाँ से डमी एक्टिविटी के थ्रू उनको ज्वाइन करके और लास्ट में जो फाइनल एक्टिविटी है वो परफॉर्म की जाती है।